हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मौजूदा सियासी संकट को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों को जाल में फंसाया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार बहुमत खो चुकी है। एक और रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले हमारा विश्वास प्रस्ताव हुआ है और कांग्रेस की सोच रही है, इसका इतिहास रहा है कांग्रेस का। अगर आप लोग देखेंगे जब भी इस प्रकार की, क्योंकि वो जनता की इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते, ना कांग्रेस ने कभी की है। ये तो अपने को कितना फायदा हो, मेरे को कितना फायदा हो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हमारे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं बेचारे, वो किस प्रकार से बात में आ गए हैं, दलदल में फंसे हैं। अभी चार रोज पहले मैंने बुलाया भी था, मेरी बात भी हुई थी। और क्योंकि कई बार जब इच्छाओं की बात आती है तो ये कांग्रेस के लोग हैं, किस प्रकार से लोगों की इच्छाओं को लोकसभा के अंदर पूरे देश ने देखा है, तार तार हुई है इज्जत लोकसभा के अंदर। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो, 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंडू होता। तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? जो मेजोरिटी निकलता है 88 में 45 उनके खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा सरकार का। और इस वक्त हरियाणा के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे सियासी माहौल के बीच। रावत साहब स्वागत है आपका। आपसे सवाल यह है कि आप किसके साथ हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद? देखिए, मेरा रुख जो पहले से है भाजपा के साथ का, भाजपा के साथ हूं। और जब तक हरियाणा सरकार को 5 साल का समर्थन दिया माननीय मनोहर लाल जी को, उसके बाद अब नायब सैनी जी को, मुख्यमंत्री कोई भी हो हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो मेरा समर्थन निश्चित तौर पर जारी रहेगा। तो राव साहब, चुनाव के बीच तो आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्या आपका स्टैंड बीजेपी के साथ आगे भी रहने वाला है क्या? फिलहाल अब की डेट में मैं भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे यहाँ से हमारे प्रत्याशी माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके साथ मेरे कल भी प्रोग्राम लगे प्रथम विधानसभा के, तो अभी पूरी तरह से हम लोकसभा की तैयारी में हैं। मैं भी अपने आप को देशभक्त के रूप में मानता हूँ और अपने देश से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और क्योंकि माननीय मोदी जी ने इस देश की प्रतिष्ठा को बहुत आगे बढ़ाया है दुनिया में, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी देशभक्तों की पार्टी है। भाजपा के लिए जो मिशन है, जो भाजपा का एक विजन है, वो नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड, और जो आदमी उसमें काम कर रहा है वो अंतिम पायदान पे, वो बाद में है, उसका लाभ स्वार्थ वो सब बाद में है। तो इसलिए जो पार्टी देश के हित में काम करती हो, जो 370 जैसी धारा को हटाने की क्षमता रखती हो, राम मंदिर बनवाने की क्षमता रखती हो जो कभी किसी से नहीं हुए, और इसी प्रकार से अब एक देश एक कानून लाने की जिसमें ताकत हो, ऐसी पार्टी को मैं पसंद करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि दो बार मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज भी समर्थन दिए जी। तो राव साहब, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सारी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग से लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी मैं नहीं समझता कि भाई अभी अल्पमत में सरकार आई है। मेरे हिसाब से अभी 45 से 46 विधायक जो चाहिए वो भाजपा के पास हैं, और ये बात इसका निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष या कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया इसमें है। मेरा अपना निर्णय है, मैं भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के साथ रहूंगा जी। बहुत शुक्रिया रावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।